टीम इंडिया के धांसू ऑलराउंडर युवराज सिंह अपनी पुरानी टीम किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ही खेलेंगे। साल 1999 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले युवराज सिंह अब तक कई कप्तानों के नेतृत्व में खेल चुके हैं। इसी बीच युवराज ने एक इंटरव्यू में अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह ने अपने संन्यास को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही संन्यास लेंगे और भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद भी अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ी है। युवराज ने ये भी कहा कि वो 2-3 सीजन तक और आईपीएल खेलते रहेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान युवराज ने कहा कि मैं किसी पछतावे के साथ संन्यास नहीं लेना चाहता, मैं कुछ और साल खेलने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तभी संन्यास लूंगा जब मुझे लगेगा कि क्रिकेट छोड़ने का सही वक्त आ गया है। युवराज ने कहा कि जब मुझे लगेगा कि मैंने अपना बेस्ट क्रिकेट खेल लिया है और इससे ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाऊंगा, तभी मैं संन्यास लूंगा। युवराज ने आगे ये भी कहा कि संन्यास के बाद मैं उन लोगों का सहारा बनना चाहूंगा जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं। युवराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे उस इंसान के तौर पर जाने जिसने कभी हार नहीं मानी। चाहे मैं भारत के लिए खेलूं या नहीं, लेकिन मैदान पर मैं हमेशा अपना 100% देता रहूंगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।